जैसलमेर वार मेमोरियल के अंदर तमाम आयुध हम कह सकते हैं प्रदर्शित हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये P-15 रडार है, और इसकी अगर हम बात करते हैं तो पहले जो सोवियत संघ हुआ करता था 1955 में इसको वहाँ से लिया गया था P-15, और इसको 1969 में भारत की सेना ने इंडक्ट किया था। और ये रडार बड़े काम की चीज़ है क्योंकि 150 किलोमीटर की रेंज है इसकी, और ये जो टारगेट जिसको यानी अगर हम देखें 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट को ये ढूंढ सकता है और उसको ढूंढ कर उस पर मार की जा सकती है। साथ ही साथ क्या है कि अगर हम इस पूरे के पूरे व्हीकल की बात करें तो युद्ध में इसका खास स्थान है। और दो ऑपरेशन जिनकी हम यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं, जैसे कैक्टस लिली, इन हम कह सकते हैं कि 1971 में ऑपरेशन कैक्टस लिली में इसका इस्तेमाल किया गया, साथ ही साथ ऑपरेशन विजय 1999 में इसका इस्तेमाल किया गया। और इस रडार को सन 2000 में डिकमीशन कर दिया गया। उसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ आप अगर आप इसको देखना चाहें तो जैसलमेर आइए और आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं जिनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और ख़ास तौर पर जब इंडियन आर्मी की हम बात करते हैं तो एक ग्लोरियस हिस्ट्री है इसकी, और उसको देखना हो समझना हो तो निश्चित तौर पर आप जैसलमेर आइए और इस वार मेमोरियल में तमाम चीज़ों को देखिए और समझिए। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन जैसलमेर।